20 साल के समीर रिजवी 6 साल की उम्र से क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे हैं। मामू तनकीब अख्तर को इनके घर में घुसने की इजाजत नहीं थी, तो क्यों भाई, तनकीब खुद क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाए। अब अपने भांजे के अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं, पर तनकीब अड़े रहे। 10 साल की उम्र में भांजे के लिए स्पॉन्सरशिप्स लाए। पिछले 14 साल वो 14 दिन भी अपने भांजे से दूर नहीं रहे, और जीजा को जवाब तब मिला जब समीर का सिलेक्शन यूपी के टीम के लिए हुआ। इस साल के आईपीएल फ्रेंचाइज द्वारा बुलाए गए ट्रायल्स में वो हिस्सा ना ले सके, पर फिर भी उनको खरीदने के लिए उनपे पैसों की बारिश हो गई, 8.5 करोड़। मोस्ट बाय एन अनकैप्ड प्लेयर दिस ईयर। तो ऐसा क्या किया इन्होंने जो बिना ट्रायल्स उन पे इतनी बड़ी बोली लगी? समीर रिजवी का जन्म 6 दिसंबर 2003 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर पिता हसीन रिजवी के घर हुआ। तनकीब अख्तर जो समीर के मामा थे, उन्हें क्रिकेटर बनना था, पर शुरुआत उन्होंने देर से की। साल 2004 में जब ये बात उन्हें समझ आई, तब वो अपनी बहन और समीर की मां रुखसाना खातून के घर रहने लगे। 2009 में 6 साल की उम्र से तनकीब अपने भांजे समीर को गांधी बाग क्रिकेट अकेडमी ले जाने लगे। समीर के पिता और तनकीब के जीजा इस बात से नाराज थे कि उनका बेटा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, पर सभी चीज़ तब सॉर्ट हुई जब समीर यूपी के लिए खेलने लगे। 10 साल की उम्र में उनके कोच और मामू तनकीब ने एसजी के ऑनर पारस आनंद से अपने भांजे की स्पॉन्सरशिप्स की बात कर ली थी, और पारस आनंद ने भी बच्चे की पोटेंशियल को देख सहमति भर दी। और आप में से कोई भी जो क्रिकेट बनने का सोच रहा है या बन रहा है, उन्हें ये पता होगा कि इस गेम में बने रहने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती है। समीर ने 16 साल की उम्र में जनवरी 2020 में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, पर उन्हें सिर्फ 2 मैचेस मिले। अगले ही साल उन्होंने वापस से स्टेट टीम के लिए कमबैक किया, इस बार 50 ओवर फॉर्मेट में। उसके बाद वो यूपी के स्टेट टीम के इंटीग्रल प्लेयर बन गए। अभी इनके करियर की शुरुआत हुई है, और 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में उस फील्ड में कॉम्पीट करना जहाँ कॉम्पिटिशन बड़े तगड़े लेवल का चलता है, तो आपको रिजेक्शन और डिजेक्शन तो फेस करना ही होगा। और वही हुआ। स्टेट टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो अपने स्टेट टीम के लिए लगातार खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे। ये भी एक बड़ी वजह थी कि कोच तनकीब को ये पता था कि भले ही समीर ट्रायल्स के लिए नहीं जा पाए, पर उसने इतना तो तगड़ा परफॉर्मेंस किया है कि कोई ना कोई टीम इसे ज़रूर खरीदेगी। तो समीर ने ट्रायल्स क्यों छोड़ा? समीर रिजवी ने अगस्त सितंबर में हुए यूपी T20 लीग के इनॉग्रल सीजन में बड़ा ही धमाकेदार परफॉर्मेंस किया। भले ही उनकी टीम नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई ना कर सकी, पर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का ध्यान अपने ओर खींच लिया। कानपुर सुपरस्टार्स की तरफ से खेलते हुए टूर्नामेंट के 9 इनिंग्स में उन्होंने 455 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। दूसरा सेंचुरी टूर्नामेंट का सबसे तेज शतक था। ये धागा खोल देने वाला परफॉर्मेंस आईपीएल स्काउट्स के लिए काफी था। मेरठ के इस राइट हैंडेड बैटर को तकरीबन हर फ्रेंचाइज ने मिनी ऑक्शन से पहले ट्रायल्स के लिए बुलाया, लेकिन जैसा किस्मत में लिखा होता है, समीर जो अभी बस 20 साल के हुए ही थे कि उन्हें ट्रायल्स मिस करना पड़ा, क्योंकि मेंस अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में उन्हें अपनी टीम उत्तर प्रदेश की कप्तानी करने बुलाया गया। इस वक्त वो मोहाली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस मैच में उन्होंने 42 रन नॉट आउट बनाया। भले ही वो मैच यूपी हार गई, अगले दिन चंडीगढ़ में अंडर 23 टूर्नामेंट में राजस्थान के खिलाफ 65 बॉल में उन्होंने 91 रन बनाया, जिसमें 4 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, पर वंस अगेन इन अ लूजिंग कॉज। पर ये इस टूर्नामेंट में यूपी की आखिरी हार थी। इसके बाद कप्तान समीर ने लगातार 2 शतक जड़ अपनी टीम को प्री क्वार्टर फाइनल्स क्वालिफाई कराया। नॉकआउट्स मैचेस जीतने के बाद फाइनल में उत्तराखंड के खिलाफ 50 बॉल में 84 रन मार के अपनी टीम को टाइटल जितवाया। अब आप नीचे कमेंट्स में बताइए, ट्रायल्स में जाके अच्छा परफॉर्म करना और असल मैच में परफॉर्मेंस डिलीवर करना कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल है? जवाब हम सबको पता है। इसीलिए चेन्नई जैसी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज ने इस यंगस्टर पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसीलिए कहा जाता है कि शब्द से नहीं अपने बल्ले को बोलने दो, और इस खिलाड़ी की स्टैट्स तो चीख ही रही है। यूपी T20 लीग में 3rd हाईएस्ट स्कोरर, पूरे टूर्नामेंट में 35 छक्कों के साथ मैक्सिमम छक्के का रिकॉर्ड उनके नाम था। यूपी 23 के स्क्वाड को देर से ज्वाइन करने के बावजूद वहाँ हाईएस्ट रन गेटर बने।
सात मैच के छह इनिंग्स में उन्होंने 454 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 75.67 एन स्ट्राइक रेट ऑफ 156.55 जिसमें दो शतक शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, 37 छक्कों के साथ। बड़े नाम जैसे भुवनेश्वर कुमार, रिंकू सिंह और नीतीश राणा के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने ने इन्हें काफी ग्रो किया। 19 दिसंबर को सीएसके ने इन्हें 8.5 करोड़ में खरीदा। अब देखने वाली बात है, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रीमियर लीग में जहां पूरे विश्व की नज़र आप पर होती है, तो समीर रिजवी वहां कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।